नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। आज के इस वीडियो में हम ई वे बिल के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं पहले ई वे बिल होता क्या है, उसकी ज़रूरत कहाँ होती है और ई वे बिल के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। इसके बाद में हम लोग, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो, ई वे बिल बना रहे हो, तो ई वे बिल के पोर्टल पर लॉग इन कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग जो जी एस पी के थ्रू ए पी आई क्रेडेंशियल क्रिएट करना होता है वो देखेंगे। और साथ ही टैली प्राइम के रिलीज 3.01 में बहुत ही अच्छा अपडेट है, जिसके थ्रू हम लोग ऑटोमेटिकली हमारा ई वे बिल जो है वो जनरेट कर सकते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स। सो आइए देखते हैं, ई वे बिल मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। जब भी हम लोग गुड्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमें ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। और अगर 50,000 या उससे ज्यादा का एक इनवॉइस वैल्यू है या फिर बिल ऑफ रिसिप्ट है, तो फिर हम लोगों को कंपलसरी ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। अभी बात आती है कि ई वे बिल कौन जनरेट करता है। रजिस्टर्ड पर्सन को ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, मतलब कि जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है उनको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। इसके बाद में अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। बट ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि मुझे महाराष्ट्र से गुजरात में मेरा लैपटॉप देना है, ठीक है, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ तो मैं कैसे ई वे बिल जनरेट कर सकती हूँ। तो अगर मैंने नहीं जनरेट किया तो फिर कुरियर एजेंसी होगी उनको या फिर ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हमारा जो ई वे बिल है वो जनरेट करना पड़ेगा। तो ये हमारी कंडीशन होती है ई वे बिल जनरेट करने के लिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आप टैली प्राइम यूज़ नहीं करते हो तो आप ई वे बिल के पोर्टल पे भी आपका ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। बट टैली प्राइम से ऐसे होता है, या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ करते हो तो भी आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि मोस्टली हमारा पूरा डेटा जो होता है वो फीड होता है, तो बहुत आसानी से हम लोग हमारा जो ई वे बिल है वो जनरेट कर सकते हैं। और इसके साथ में हमने इनवॉइस का भी वीडियो बनाया हुआ है जो 1 अगस्त 2023 से चेंजेस है उसमें, तो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन से और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज का वीडियो। अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, कॉमन नेम से, दैट इज टू दिया पटेल। आइए देखते हैं, ई वे बिल जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें आना होता है ई वे बिल gst.gov.in की साइट पे। यहाँ पे हमें खुद को लॉग इन करना होता है। और इसके बाद में अगर हमें टैली प्राइम से ऑटोमेटिक हमारा ई वे बिल जनरेट करना होता है तो यहाँ से हमें जीएसपी के थ्रू एपीआई का आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होता है। एंड देन फिर हम लोग को टैली प्राइम में वो अपडेट करके फिर ऑटोमेटिक हम लोग जनरेट कर सकते हैं। सो आपने ये आईडी पासवर्ड क्रिएट किए हुए हैं तो नेक्स्ट चैप्टर पे जाइए। और अगर आप फर्स्ट टाइम ई वे बिल बना रहे हो तो फिर आप पहले लॉग इन आईडी बना लीजिए एंड फिर हम लोग बाकी की प्रोसेस बाद में देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब ये पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन के टैब में ई वे बिल रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा जीएसटी नंबर और कैप्चा डाल के फिर वो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी जो कंपनी की डिटेल्स है वो दिखेगी और यहाँ पे मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दिखेगा जो हमने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन करते टाइम दिया हुआ है वो दिखेगा। अगर आपको लगता है कि मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर चेंज हुआ है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अपडेट फ्रॉम जीएसटी कॉमन पोर्टल, यहाँ पे क्लिक करके फिर पहले आप वो चेंज कर दीजिए एंड इसके बाद में यहाँ की प्रोसेस कीजिए। तो अगर आपका मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर करेक्ट है तो फिर आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है और जनरेट करना है ओटीपी। और इसके बाद में आपका टैब होगा यूजर नेम क्रिएट करने का। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको आपके हिसाब से यूजर नेम क्रिएट करना है, पासवर्ड एंटर करके फिर री एंटर पासवर्ड करना है। सो बेसिकली यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको आपके हिसाब से बनाना है एंड इसके बाद में सेव करना है। सो हमारा आईडी पासवर्ड जो है वो ewebillgst.gov.in की साइट का क्रिएट हो चुका है। जब भी आपको कुछ भी ई वे बिल के रिलेटेड करना होगा तो ये जो हमने बनाया है आईडी पासवर्ड उससे हमें लॉगिन करना होगा। सो यहाँ पे लॉगिन का बटन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हमने जो अभी आईडी पासवर्ड क्रिएट किया है वो ऐड करेंगे एंड देन कैप्चा डाल के फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा ई वे बिल का डैशबोर्ड है। अगर आप चाहते हो कि आपको यही वेबसाइट से ई वे बिल जनरेट करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे ई वे बिल का ऑप्शन है और जनरेट न्यू करके है, यहाँ से आप आपका जो ई वे बिल है वो मैन्युअली अपडेट कर सकते हो। बट आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि टैली प्राइम से हम हमारा ई वे बिल ऑटोमेटिक कैसे जनरेट कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों को क्या लगेगा, एपीआई का आईडी पासवर्ड। जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोगों को अगर ई वे बिल या फिर कोई भी बिल जनरेट करना होता है तो क्या होता है, पहले हम लोगों को इंटीग्रेट करना होता है। सो क्या होगा, यहाँ से हम लोग हमारा आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे और टैली प्राइम में हम उसको ऐड करेंगे। तो जब भी हम लोग हमारा ई वे बिल जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें ये सिस्टम पे दिखेगा। सो पहले हम लोग आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर जीएसपी, यहाँ पे आपको मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दिखेगा, सिंपली यहाँ पे सेंड ओटीपी करना है
और इसके बाद में यहाँ पे दिखेगा एक ऑप्शन जीएसटी रजिस्टर योर जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जीएसपी नेम हमारा कौन सा सिलेक्ट करेंगे, टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि हम लोगों को टैली से हमारा ई वे बिल जनरेट करना है। अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है तो आपको ये सिलेक्शन बॉक्स में से वो जो सॉफ्टवेयर का नेम है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको यूजर नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगा, यहाँ पे आप देखिए एपीआई करके दिख रहा है। यहाँ पे लास्ट में 3 डिजिट आपको ऐड करने होते हैं और यहाँ पे री एंटर यूजर नेम कर दीजिए तो ये आपका बन जाएगा यूजर नेम। इसके बाद में आपको आपके हिसाब से पासवर्ड चूज करना होता है और री एंटर पासवर्ड कर दीजिए तो ये चीजें जो है वो आपको लगेगी आपके टेली प्राइम में। सो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ये हमारा बन गया है यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो हमने जो आईडी पासवर्ड जनरेट किया है वो हमें लगेगा टैली प्राइम में ई वे बिल ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए। सो अभी हम लोग हमारे टैली प्राइम में जाते हैं। सो मैंने यहाँ पे मेरी कंपनी ओपन कर ली है और यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स करने होते हैं F11 में जाके ई वे बिल के रिलेटेड। तो यहाँ पे हम F11 प्रेस करेंगे और ये जो टैली है वो मैं यूज कर रही हूँ 3.0.1। तो अगर आपने अपडेट नहीं किया है ये रिलीज आप जरूर अपडेट कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग F11 में जाएंगे, यहाँ पे आपकी जितनी भी कंपनीज है वो लिस्ट दिखेगी, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है हमारी कंपनी और यहाँ पे आपको शो फीचर, शो मोर फीचर एंड शो ऑल फीचर्स दोनों को यस करना है और आना है टैक्सेशन के अंदर। यहाँ पे हमें यस करना है, हम एंटर करेंगे, यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स है जीएसटी की वो दिखेगी, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। ई इनवॉइसिंग के रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। यहाँ पे हम आ रहे हैं ई वे बिल डिटेल्स में। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ई वे बिल एप्लीकेबल जो है वो यहाँ पे यस करना है और ई वे बिल कब से एप्लीकेबल होगा वो डेट आपको यहाँ पे देना है और एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट जो है उसको हम लोगों को करना है यस। इसको हम लोग कंट्रोल ए से सेव करेंगे। इसके बाद में एक दूसरा ऑप्शन है सेट अदर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, नो है उसको हम लोग यस करेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी करना नहीं है, एचएसएन या फिर जीएसटी के रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे नहीं देना है। जब हम स्टॉक क्रिएट करेंगे तब एचएसएन रिलेटेड डिटेल्स देंगे। और यहाँ पे है ई वे बिल डिटेल्स, यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड लिमिट देनी होती है, अगर इंटरस्टेट रहा तो कितना है और इंट्रास्टेट थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है। और ये जो लिमिट रहती है वो हर एक स्टेट की अलग अलग रहती है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप आपके स्टेट के अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिए। सो यहाँ पे मैंने 50-50,000 किया, मोस्ट ऑफ जो स्टेट है उसमें 50,000 का लिमिट रहता है। सो हमने यहाँ पे 50-50 कर लिया और यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ इनवॉइस। यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ केस में वैल्यू ऑफ इनवॉइस ही रहता है। अगर आपका टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स दोनों के साथ करना है तो आपको ये सिलेक्ट करना होता है और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स करना है तो फिर आपको ये थर्ड वाला चूज करना होता है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में आपको वैल्यू ऑफ इनवॉइस ही सिलेक्ट करना होता है। सो ये हो गई हमारी ई वे बिल रिलेटेड डिटेल्स जो हमने सेटिंग कर दी है। सो यहाँ पे हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे, यहाँ पे भी कंट्रोल ए से सेव करना है, मेक श्योर कीजिए आपको कंट्रोल ए से ये डेटा को सेव करना है, अदरवाइज आपके जो ऑप्शंस है वो ऑटोमेटिक नहीं आएंगे ई वे बिल के। अभी हम क्या करते हैं, एक वाउचर क्रिएट करते हैं। अगर आपका जो इनवॉइस नंबर ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्टर में जाना है गेटवे ऑफ टैली से और यहाँ पे आपको आना है वाउचर टाइप में, यहाँ पे सेल सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे हम एंटर करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यहाँ पे मैन्युअल कर दीजिए। अगर आपने सेल्स इनवॉइस का ऑटोमेटिक जो नंबरिंग है वो सिलेक्ट किया होगा तो वो आ जाएगा, नहीं है तो फिर मैन्युअल सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे वाउचर में आते हैं, यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर एंड डेट देना है। रेफरेंस नंबर मतलब कि अगर आपको ये जो इनवॉइस है वो पीओ नंबर के अगेंस्ट में करते हो तो यहाँ पे आपको पीओ नंबर ऐड करना है और डेट देना है। F2 प्रेस करके फिर जो डेट का आप ये ई वे बिल या इनवॉइस जनरेट कर रहे हो वो डेट आपको यहाँ पे देना है। अगर आपका रेफरेंस नंबर एंड डेट नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, इसको नो होगा तो यस कर दीजिए। बाद में आप अगर एक्सपोर्टर हो और ई वे बिल जनरेट कर रहे हो तो यहाँ
यहाँ पे प्रोवाइड मार्क ऑफ कंटेनर नंबर है उसको यस कर लीजिए, और प्रोवाइड नंबर ऑफ पैकेजेस है उसको भी आप यस कर लीजिए। हमारा ये केस नहीं है तो हम नो करेंगे। ईवे बिल जनरेट करते टाइम ये डिटेल्स पूछी जाएगी, तो आपको ये डिटेल्स देनी है, बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक जो पार्टी है वो क्रिएट करती हूँ, जो मैंने ऑलरेडी वैसे क्रिएट की हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो कंपनी है वो दित्यायन कंपनी है, ये मैंने जो डिटेल्स है वो ऐड की हुई है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अभी आप एक बार देखिए, कंट्रोल एंटर करके मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। सो बेसिकली ये हमारा डेटर है, यहाँ पे मैंने संडे डेटर्स किया है, यहाँ पे बाकी कुछ भी ऐड नहीं किया, बट मेक श्योर कीजिए आपको जो नेम है, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड ये कंपलसरी ऐड करना है, उनका जीएसटी नंबर भी आपको देना है, और रजिस्ट्रेशन टाइप वो रेगुलर है क्या है वो आपको देना है, अदरवाइज आपको जब ईवे बिल जनरेट करोगे तो एरर आएगी। तो ये सब चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पार्टी डिटेल्स में भी एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे स्टेट, कंट्री और प्लेस ऑफ सप्लाई, खास करके यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल ए से एसेट। सो बेसिकली हम लोग है गुजरात के, मतलब हमारी कंपनी गुजरात की है, और हम मटेरियल दे रहे हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे हमारा इंटर स्टेट रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग सेल्स लेजर सिलेक्ट करेंगे, और सेल्स लेजर में मैं आपको कंट्रोल एंटर करके दिखाती हूँ हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है। सेल्स अकाउंट रहेगा अंडर ग्रुप उसका। इसके बाद में यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ लेजर में कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे स्टेटरी डिटेल्स में यहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करना है, यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है, और यहाँ पे आपको कुछ भी एचएसएन रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे नहीं देनी है। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें, टाइप ऑफ सप्लाई में यहाँ पे सर्विस नहीं करना है, आपको गुड्स करना है। सो ये आपको सिलेक्ट करना है। ये जो एचएसएन डिटेल्स है वो हम लोग कहां पे देंगे, जब हमारा आइटम क्रिएट करेंगे तब देंगे, है कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। ये हो गया हमारा ये पार्टी अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। के बाद में हम लोग नेम ऑफ आइटम क्रिएट करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आप देखिए, आपको ऑटोमेटिक अगर जो पूरे कैलकुलेशंस करने हैं जीएसटी के साथ, तो प्रॉपर जो लेजर है वो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, इसीलिए मैं आपको वन बाय वन दिखा रही हूं। सो ये मैंने प्रोडक्ट जो है वो बनाया हुआ है, जो है आईफोन 14 प्रो ब्लैक मुझे देना है, ठीक है। इसके बाद में मैंने अंडर ग्रुप कौन सा रखा है, मोबाइल। सो इसका बहुत ही अच्छा वाला यूज है, एक बार आप इसको जरूर से यूज करना। अंडर ग्रुप पहले भी होता था, बट एचएसएन डिटेल्स हम लोगों को हर बार, जितने भी हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करते थे तब हम लोगों को एचएसएन हर बार ऐड करना होता था, बट अभी क्या है, अंडर ग्रुप के अंदर ही हम लोग एचएसएन की डिटेल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो स्टॉक हम लोग आइटम कितना भी क्रिएट करें, हम लोग जस्ट अंडर ग्रुप है वो मोबाइल फोन कर देंगे, ताकि हम लोगों को ये बाकी की डिटेल्स जो है वो अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये अंडर ग्रुप क्रिएट किया है, कंट्रोल एंटर करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे है मोबाइल फोन, और अंडर जो है वो प्राइमरी है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एचएसएन में यहाँ पे ऑप्शन 3 आते हैं, इसमें मैंने क्या किया है, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर में। एचएसएन जो मोबाइल का रहता है वो सबके सेम रहते हैं, राइट, चाहे वो सैमसंग हो, आईफोन हो या फिर रियलमी हो। सो मोबाइल फोन के एचएसएन सेम रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एचएसएन एड कर दिया। सो एचएसएन जो है वो हम कब देते हैं, जब हमारे कोई गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं, और एसएससी कोड जो रहता है वो सर्विस के लिए होता है, जब हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी को, तो हमें एसएससी कोड यहाँ पे ऐड करने होते हैं। और एचएसएन आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन में आपके हिसाब से आप एंटर कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पे जीएसटी रेट डिटेल्स है, वो मैंने स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करके टैक्सेबल कर लिया है। और इसके बाद में जीएसटी रेट कितना है मोबाइल का, 18%। तो इसके हिसाब से ग्रुप क्रिएट कर रहे हो उसके हिसाब से आपको ये जीएसटी रेट ऐड करना है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप अंडर ग्रुप ऐड करेंगे ना, तो ये पूरी डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। हर बार आपको फिर अंडर ग्रुप जस्ट मोबाइल फोन ऐड करना होता है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। और मैंने यहाँ पे यूनिट जो है वो पीसेस लिए हुए हैं, आप आपके हिसाब से बना लीजिए। इसके बाद में यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी हम क्या करेंगे, यस एप्लीकेबल है, यहाँ पे बाकी की डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विस नहीं गुड सिलेक्ट करना है, तो ये पूरी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको आइटम क्रिएशन के टाइम पे करनी है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी ऐड करते हैं, जैसे कि मुझे 15 क्वांटिटी देनी है, और उसका रेट है कितना है, 50,000 रुपीज हमारा आईफोन का रेट है। तो 15 पीस मुझे देने हैं 50,000 के हिसाब से, तो हमारा बिल कितना हुआ है, 7,50,000 का। सारे लोग जो है वो कमेंट करते हैं कि हमें ईवे बिल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको प्रोवाइड जीएसटी ईवे बिल जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यस दिखेगा, क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो 50,000 से
ज्यादा हो रहा है, ठीक है, सो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों को IGST लगेगा, राइट, क्योंकि हम लोग गुजरात से हमारा मटेरियल कहाँ दे रहे हैं, महाराष्ट्र में। अगर विद इन अ स्टेट होता तो फिर हमें CGST SGST लगाना होता, तो ये जो IGST है वो ऑटोमेटिक हमारा हो गया है। तो ये जो हमारा ऑटोमेटिक अमाउंट आ रहा है बिकॉज हमने प्रॉपर जो लेजर है वो क्रिएट किए हुए है, इसकी वजह से आ रहा है। कंट्रोल एंटर करके मैं आपको GST का भी लेजर दिखाती हूँ। GST हमेशा ड्यूटी एंड टैक्सेस में आता है, यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको GST सिलेक्ट करना है और टैक्स टाइप क्या है हमारा IGST है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, मैंने जो राउंडिंग मेथड है वो नॉर्मल राउंडिंग की है और राउंडिंग लिमिट कितनी है 1 रुपीज की है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ। एंटर करेंगे यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड ई वे बिल, यहाँ पे यस है, हम एंटर करते हैं। ये जो डिटेल्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वन बाय वन देखिए, अदरवाइज जब भी आप ई वे बिल जनरेट करेंगे तो एरर आएगी और आपको सॉल्व करके फिर ही ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपको दिखेगा ई वे बिल नंबर, यहाँ पे आपको कुछ भी करना नहीं है, जब भी आप ई वे बिल जनरेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, सब टाइप जो है वो आपको सप्लाई रखना है। आप देखिए जॉब वर्क भी हो सकता है, अदर्स भी हो सकता है, एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको एक्सपोर्ट सिलेक्ट करना है, बट हमारा क्या है सप्लाई है। अभी हम लोग टैक्स इनवॉइस ही जनरेट कर रहे हैं तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। कंसाइनर डिटेल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है जहां से आप ये जो ई वे बिल जनरेट कर रहे हो वो, मतलब कि हम अकाउंट एडवाइस से है और हम लोग यहाँ से ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं और किसको दे रहे हैं मटेरियल, दित्यायन कंपनी को, तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे एड करनी है, उनकी डिटेल्स जिसको हम मटेरियल दे रहे हैं। So, पहले हम लोग हमारे कंसाइनर की डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे। कंसाइनर की डिटेल्स जो है वो प्रॉपर आपको ऐड करनी है। सो ये कंसाइनर की डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिक नहीं आएगी, तो आपको आपके हिसाब से ऐड करनी है। यहाँ पे आपको प्रॉपर पिन कोड, प्लेस एंड एक्चुअल स्टेट डालना है जहाँ से आप मटेरियल दे रहे हो, जैसे कि एक्चुअल स्टेट हमारा कहाँ पे है, गुजरात से है, और हम कहाँ पे हमारा मटेरियल दे रहे हैं वो है महाराष्ट्र में। तो आपको ये जो डिटेल्स है पिन कोड, प्लेस एंड एक्चुअल स्टेट वो प्रॉपर देने हैं। इसके बाद में है ट्रांसपोर्टर डिटेल्स, यहाँ पे आपको देना है पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल। यहाँ पे आप टेंटेटिव दे सकते हो बट फिर भी आपको क्या करना है, चेक करना है और करेक्ट करेक्ट ही डिस्टेंस है वो देना है। तो अगर डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है कैलकुलेट डिस्टेंस ऑन पोर्टल, हम लोग अल्ट एल प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्टली ई वे बिल के पोर्टल पे आ जाएंगे और यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से है हमारा, गुजरात से है, और शिप टू पिन कोड कहाँ पे है हमारा, महाराष्ट्र का है, तो वो यहाँ पे आपको देना है, कैप्चर करके फिर गो करना है। जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस जो है वो पिन कोड का ये है 1195 किलोमीटर, सो यहाँ पे आपको टैली में ऐड करना है। यहाँ पे टैली में भी आपको दिखेगा कैलकुलेट पिन टू पिन डिस्टेंस, यहाँ पे ये फ्रॉम एंड टू में आपको ये ऐड करना है जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ पे हमने हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट किया है 1195, वो हम लोग एंटर कर लेंगे। सो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नेम देना है, कौन से ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपका मटेरियल जाने वाला है, ठीक है। सो अगर आपके पास होगा तो वेल एंड गुड, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो फिर आपको न्यू यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टर आईडी देनी है। तो आप कनेक्ट कीजिए आपके ट्रांसपोर्टर से और वो आपको प्रोवाइड करेंगे उनका ट्रांसपोर्टर आईडी जो 15 डिजिट का होता है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है मोड की, कौन से मोड के थ्रू आप आपका जो गुड्स है वो दे रहे हैं, रोड, रेल, एयर या फिर शिप है। अगर कोई और अदर मोड है तो फिर न्यू मोड करके भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं रोड। इसके बाद में व्हीकल नंबर देना है अगर आपके पास है तो। इसके बाद में है व्हीकल टाइप, यहाँ पे आपको कार्गो के थ्रू है या फिर रेगुलर है वो सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे आर प्रेस करेंगे और रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। सो ये हो गई हमारी डिटेल्स, यहाँ पे हम लोग नरेशन ऐड कर देंगे और प्रॉपर नरेशन आप ऐड कर लीजिए। यहाँ पे हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम फिर से एक बार एंटर करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेंड वाउचर डिटेल्स फॉर ई वे बिल जनरेशन, क्या आपको आपका जो ये जो वाउचर है वो ई वे बिल जनरेशन के लिए शेयर करना है। हम यहाँ पे करेंगे यस, और यहाँ पे आपको ई वे बिल लॉगिन में यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है, कौन सा वाला देना है, जो हमने GSP के थ्रू API का यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया है वो आपको यहाँ पे देना है। ध्यान रखें जो आपने ई वे बिल का जो जनरेट किया है वो नहीं देना है, फर्स्ट टाइम हमने जो बनाया था वो नहीं देना है, API का ही यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है। और यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। सो जो आपका ई वे बिल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे इनवॉइस नंबर के पास में ई वे बिल नंबर भी आपको दिखेगा और डिलीवरी नोट अगर आपने कहीं पे मेंशन किया होगा, बायर ऑर्डर नंबर वगैरह भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे एक चीज और भी हो सकती है, एरर भी आ सकती है अगर आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं अपडेट की है तो। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाती हूँ,
कि क्या एरर हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे ना मैं पिन कोड नहीं एंटर करती हूँ, ठीक है, तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करती हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करती हूँ, यस करेंगे, और यहाँ पे हम यस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने ऐड नहीं की हुई है, तो आपको ऑल्ट जी में जाना है और फिर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन को करेक्ट करने हैं, इसके बाद में आप ईवे भी जनरेट कर सकते हो, ऐसा भी वार्निंग आपको आ सकता है अगर आपने कुछ भी गलती किया होगा तो हम लोग सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल्ट जी में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईवे बिल प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए मिसिंग इनवैलिड इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी होगी, हम एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या इश्यू है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कंसाइनर फ्रॉम पिन कोड इज एम्प्टी और इनवैलिड, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे कंसाइनर पिन कोड जो है वो हम डालेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए हमारा जो एरर था वो निकल गया है, अभी हम लोग ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं, एस्केप करते हैं और यहाँ पे देखिए फॉर ईवे बिल जनरेशन में हमें दो वाउचर्स दिख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी एक वाउचर जो है वो क्रिएट किया हुआ था, अभी हम लोग बल्क में भी यहाँ से हमारा ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं, सो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्ट जेड प्रेस करेंगे, एक्सचेंज में जाएंगे, यहाँ पे सेंड फॉर ईवे बिल यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे जितने भी ईवे बिल हमें जनरेट करने हैं या फिर कैंसिल करने हैं उसको हमें सिलेक्ट करना है, सो स्पेस बार से हम लोग सिलेक्ट करेंगे और सिंपल क्या करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, एस प्रेस करेंगे, तो हमारे जो ईवे बिल है वो जनरेट हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपको ईवे बिल जनरेट करने हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं, बल्क का यूज कैसे कर सकते हैं, एपीआई क्रिएशन, और अगर हम ईवे बिल के पोर्टल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो किस तरीके से आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जाके प्यारी सी कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट्स के साथ, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।